बाकी ऐसी जगह होता है सर, बाकी जगह ऐसा होता है जितने लोग बुलाते हैं उनसे कम आते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है जितने लोग बुलाते हैं उनसे डबल आते हैं। रोग के लिए बाकी नहीं आ जाते हैं। तो आपके 5 महीने कैसे बीते? शानदार। मेरे भी बहुत अच्छे बीते, अनुज सर के बहुत अच्छे बीते। पैसे भी हम लोगों ने बहुत कम आए क्योंकि सभी ने कमाया ना, सभी का मिली डबल हुआ, किसी का फिर कुछ थोड़ा हुआ नहीं, सबका डबल या डबल तकरीबन सबका एक्सपीरियंस। हाँ लेकिन पैसे कमाए, खर्चा भी नहीं हो पाया और आप लोगों से मिलने का मौका नहीं मिल पाया। पैसे कमाए, मैं कल गाड़ी से रस्सी उतरा तो हमारे काफी लीडर्स थे जिन्होंने बुके लेके वहां पे गए, मैंने कहा सुन लोग पैसे तो बहुत कमाए लेकिन ये गुलाब के फूल नहीं मिल पाए। तो हर चीज की अपनी वैल्यू है, हर चीज की अपनी जगह है। इस चीज से एक चीज जरूर साबित होती है कि जब हम लोग पहले मेहनत करते थे तो ऐसा लगता था आप 30 से 30 दिन मेहनत करते हैं, घर वाले बोलते थे कि कुछ भी तो घर पे रहो, है ना। तो दुनिया में हर चीज का कोटा होता है, कोरोना ने हमारी सुन ली और हमारा अगले 4-5 साल घर रहने का कोटा खत्म हो गया। अब अगले 5 साल में घर रहने की वैसे जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम कवर कर चुके, 2-3 साल पहले का और 2-3 साल आगे का। तो यहां तक ठीक है, आप घर जाके वो समझाना उनको कि महीने में इतने घर रहते थे, अब हम रहे 5 महीने में इतने घंटे हुए, इतने दिन हुए और अगले इतने घंटे इतने दिन तक अगर हम नहीं रहे तो भी हम शिकायत के हकदार नहीं है। तो बहुत सारी नई नई चीजें आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से सीखी होंगी, बहुत सारी चीजें आपने फेसबुक पे अलग अलग ट्रेनिंग चली होंगी अलग अलग लीडर्स की तो वहां सीखी होंगी। आपके लीडर्स ने अपने आप में आपने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया होगा कि पहले हम लोग जूम नहीं जानते थे जूम क्या होता है, आज के टाइम में आप सबके मोबाइल के अंदर जूम नाम का ऐप है या कहीं और ऐप भी है जिनके माध्यम से आप ट्रेनिंग मीटिंग्स करते हैं। हमारे लिए देखा जाए तो कोरोना कोई संकट नहीं है, ये कोशिश था तो चल रहा था 2 दिन से, यहां पे बारिश हो रही है कोई प्रॉब्लम हो रही है, कभी बर्फ पड़ जाती है कभी कर्फ्यू लग जाता है, कोरोना में कोशिश था वैसे ही लंबा प्रोसेस था कोरोना, लेकिन उससे हमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इफेक्ट आया है। हम लोगों ने अपने आप में बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश की है, अपने आप में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, पहले से ज्यादा हमें टाइम मिला तो हमने एजुकेटेड बहुत ज्यादा हुए होंगे प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, ट्रेनिंग्स के बारे में, आपने बहुत सारे लोगों ने नए नए एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब हॉल में आए होंगे तो रोशन ने मैसेज किया होगा कि सारे लोग ब्लैक सूट में होंगे, है ना सर, ऐसे ही हो ना, और सारे लोग ड्रेस कोड में आ गए। लेकिन आपने से बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया होगा कि जूम मीटिंग के टाइम में ऊपर कुछ पहना होगा नीचे बिना पहने भी बैठे होंगे, नहाए नहीं होंगे सिर्फ मुंह पे क्रीम लगाई होगी। और ये फोन आ के और अगर पता चला 7 बजे मीटिंग है तो मोबाइल का कैमरा ऑफ करके ये फोन लगा के और आप बाथरूम में तैयार होने में चले गए होंगे, मतलब आप कितना एडवांस हो गए। अब नेगेटिव पॉइंट है बताओ, ये वाला नेगेटिव पॉइंट है, सारे पॉजिटिव पॉइंट है, कोई नेगेटिव पॉइंट आएगा कोई नहीं है। लेकिन अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, पहले हम लोग फिजिकली मेहनत करते थे, किसी भी स्टेशन पे जाते थे और जाने के बाद वहां पे मीटिंग करते थे, बिजनेस करते थे, हमारा बिजनेस डेवलप होता था। अब हम 2 तरीके से बिजनेस करेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। हमारे पास कोरोना ने एक ऑप्शन बढ़ा दिया, एक ऑप्शन था अब हमारे पास डबल हो गए, इसका मतलब पहले जो बिजनेस था उससे डबल बिजनेस करने का मौका हमें कोरोना दे चुका है, हमें कोरोना के लिए भी तालियां बजानी थी। नेगेटिव चीजें अगर आप ढूंढो तो बहुत सारी है, लेकिन पॉजिटिव चीजें अगर ढूंढोगे तो शायद अनलिमिटेड चीजें आपको वहां से मिलेंगी, उसके अंदर से बहुत सारी चीजें आप देखोगे। पहले आप इतनी देर टीवी देखते होंगे और शुरू में जैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ तो आप मुझे बहुत सारे लोगों ने कंटिन्यू टीवी देखा हुआ, लेकिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद आपकी हालत यह होगी होगी कि आपका टीवी देखने का मन भी भर गया होगा, है ना, और बिल्कुल भी मन नहीं किया कि आपका दोबारा से हम लोग टीवी देखेंगे, क्योंकि जब भी टीवी देखोगे अब तो ठीक हो गया,
एक ही न्यूज आती थी कितने पॉजिटिव कितने मर गए, कितने पॉजिटिव कितने मर गए, है ना। एक चीज और समझने को आई कि दुनिया में लोग क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे पहले हमारे अपना ही हमें सिखाते थे, आप अपनी टीम को सिखाते थे। जब आप आगे बढ़ते हैं तो वक्त हालात और आपकी सक्सेस के अनुसार लोगों की लैंग्वेज बदल जाती है। ये बहुत बार आपने सुना होगा, है ना। तो वक्त पे हालात पे सारी चीजें बदलती रहती है, इसी को आगे से कभी भी फील नहीं करना है। अगर कोई आपके खिलाफ कुछ भी बोले, क्योंकि